हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर क्लासेस। आज फिर से 50 गोल्डन रूल्स की क्लास हम करने वाले हैं और एक नया रूल आज सीखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूजन होता है। हम फिलर्स की क्लास कर रहे थे बट बहुत सारे लर्नर्स की रिक्वेस्ट ये थी कि जब 50 गोल्डन रूल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं जो फिलर्स में आती हैं, तो पहले 50 गोल्डन रूल्स को कवर करके उसके बाद अगर हम फिलर्स करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अपने 2-3 दिनों में देखा होगा फिलर्स में ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स को हम कवर कर लेते हैं जिससे फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट जो भी हम आगे टॉपिक करने वाले हों वो बहुत आसान हो जाए, हमको उसमें ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज इसका 7 रहेगा, आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कराऊंगा और इस क्लास की फ्री PDFs आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टेलीग्राम पे आपको योर क्लासेस लिखना है, ऐसे लोअर राइट साइड में आपको जो लोगो दिख रहा है इस लोगो को आपको फॉलो करना है, वहां से फ्री PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज डिजीबुक्स, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। डिजीबुक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस के लिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन और क्वेश्चन का अरेंजमेंट लेवल वाइज ताकि आप अपने आप को जज कर पाएँ, ये सारे अरेंजमेंट्स आपको डिजीबुक्स में मिलते हैं। इसके एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आप एग्जाम 10 कोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लर्नर्स इस पर हमेशा पूछते हैं कि सिंस और फॉर हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस कब यूज़ करेंगे, फॉर कब यूज़ करेंगे, तो आपको पता होगा सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए, फॉर यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए। ये आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारी बुक्स ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बताया होगा कि सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम कैसे समझ में आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे समझ में आएगा। वहां पे लिखा थोड़ी होगा कि यहां से यहां तक लगा है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, ये है पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे आप लगा दें फॉर, ऐसे लिखा तो होता नहीं है, है ना। तो हम कैसे समझें कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इस चीज़ को चलिए आज एकदम आसान कर देते हैं। तो हमको सिंस में ये पता है कि पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम होता है, फॉर में ये पता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, लेकिन कैसे हम समझें इस चीज़ पे बात करते हैं ज़रा सा। देखो, सिंस जब आप लगाओगे तो वहाँ पे लिखा है जनरली इफ टाइम इज रिटन इन वन एक्सप्रेशन वी यूज सिंस। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो अगर टाइम एक एक्सप्रेशन में लिखा है तो हम सिंस यूज़ करते हैं, ये बात ये वाला पॉइंट कह रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना बहुत। जैसे मैंने बोला 2 बजे से, ये रहा क्लॉक, ये रही घड़ी आपकी, इस पे 2 बजेगा तो सुई कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, ये होगी सुई कुछ इस तरह से, ठीक। हमने क्या बोला, 2 बजे, जब 2 बजेगा तो एक पॉइंट पे होगा या फिर ऐसे ऐसे होगा, मतलब यहाँ भी 2 बजेगा, यहाँ भी 2 बजेगा, यहाँ भी 2 बजेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे होगा क्या, नहीं। एक ही पॉइंट पे कितना बजता है, 2 बज जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो मैंने बोला 11 o'clock, तो क्या होता है 11 एक ही पॉइंट पे बजता है, 10 वाले पॉइंट पे 11 नहीं बजता, ना 12 वाले पे बजता है, ना 9 वाले पे बजता है, एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे क्या होगा, 11 बज जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 11 o'clock कितने एक्सप्रेशन बता रहे हैं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन, कौन सा, कि 11 वाले पे जैसे ही सुई जाएगी तो 11 o'clock हम बोलने लगेंगे। 2 AM पे बोल रहा है, जैसे ही 2 पे सुई जाएगी हम क्या बोलने लगेंगे, 2 AM हो गया या फिर 2 PM हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग हम सुबह से लेके और रात तक बोलते हैं पूरा मॉर्निंग को, नहीं बोलते हैं। देखो ध्यान से इस चीज़ को, अगर हमको मॉर्निंग, देखो अगर हमको डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे चल के मैं बताता हूँ। अगर हमको दिन को डिवाइड करना हो 4 पार्ट्स में तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो ये हो गया मॉर्निंग, फिर हो गया आफ्टरनून, फिर हो गया इवनिंग और फिर हो गया नाइट, ठीक। ये देखो कैसे होता है, देखो सुबह हो गया 3 बजे के बाद से मॉर्निंग लगी जाती है, ठीक है, 12 बजे तक हम मॉर्निंग समझते हैं, 12 बजे नून के जस्ट बाद में हम क्या यूज़ करते हैं, गुड आफ्टरनून यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक। उसके बाद में 3 बजे तक हम क्या यूज़ करते हैं, गुड आफ्टरनून। 3 बजे के बाद दोपहर से हम क्या यूज़ करने लगते हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कब तक चलता है, रात के 12 बजे तक। आप अगर किसी से मिलोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। रात के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हो तो भी आप उसको गुड इवनिंग बोलोगे। रात और जब आप उससे अलविदा लेने लगते हो तो आप क्या बोलते हो, गुड नाइट, ठीक है। रात को 1 बजे भी अगर आप किसी से मिले हो, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, 1 बजे रात को किसी से आप मिले तो आप उससे ये नहीं कहोगे हाय गुड नाइट,
आप उससे गुड इवनिंग ही बोलोगे, ठीक है, या फिर आप हाउ आर यू बोल सकते हो। मिलते टाइम किसी से गुड नाइट नहीं बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गई लिमिटेशंस डे की। तो अगर हम पॉइंट की तरह समझें तो ये मॉर्निंग हो गया, ये आफ्टरनून हो गया, ये इवनिंग हो गया, ये नाइट हो गया, ये सारे पॉइंट्स की तरह हैं। अगर आप इनको बहुत लंबे लंबे टाइम में करना चाहेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसी तरह पॉइंट एक डिस्कस करने लगेगा। समझ में आ रहा है। मॉर्निंग फिर वहाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ होगा, वहाँ पे मॉर्निंग फिर एज अ टाइम नहीं यूज़ होगा। जैसे ही मॉर्निंग के साथ में आप 6 बजे, 4 बजे या फिर 3 बजे कुछ भी ऐसा लगाने लग जाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये क्या दिखा रहे हैं, एक पॉइंट दिखा रहे हैं। मैंने बोला मैं 4 बजे आऊँगा, 4 बजे का मतलब 4 बजे, 4 बजे का मतलब ये थोड़ी है कि 4 से 5 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है, सारे टाइम को हम 4 ही बजे मानेंगे, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। 4 बजे मतलब एग्जैक्ट 4 बजे, एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे 4 बजेगा और तभी मैं आऊँगा। अगर मैं 5 बजे आया तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं 4 बजे आया, मैं बोलूँगा मैं 5 बजे आया, ठीक है, और फिर 5 बजे होगा वाला पॉइंट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सिंस के जो वर्ड्स होते हैं उनको देख के हम कैसे समझेंगे कि वहाँ पे सिंस लगाना है। जब भी आपको देखते ही पता चले कि एक फिक्स एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे आप सिंस लगा देंगे। चलिए फॉर पढ़ते हैं, शायद इससे थोड़ा सा और डाउट क्लियर हो जाए, फिर हम एक साथ दोनों को समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर कब लगता है। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर जनरली इफ टाइम इज रिटन इन मोर देन वन एक्सप्रेशन वी यूज फॉर। एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन में अगर लगा हो तो हम बोलते हैं फॉर वहाँ पे लगा दो। जैसे देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 3 साल, तो 3 साल कैसे होगा, यहाँ पे हुआ, ये हुआ पहला साल, फिर ये हुआ दूसरा साल, फिर ये हुआ तीसरा साल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने साल, पहला दूसरा और तीसरा, 3 साल ये हो गए, ठीक। तो आपको मालूम चला ना कि बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे, 3 साल ऐसा तो है नहीं कि ये रहा 3 साल, है ना। 3 साल कैसे होगा, 1 2 3, इस तरह से 3 साल होगा। तो क्या है, स्ट्रेच ऑफ टाइम है, देखो काफ़ी सारा टाइम लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच ऑफ टाइम है। 1 साल पहले यहाँ से यहाँ तक 1 साल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 साल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 साल हुआ, ठीक। अगर हम मान लो बोलते हैं 1 ईयर, 1 साल में फिर कैसे होगा, हम मंथ्स में सोचने लगेंगे कि 1 मंथ हुआ, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, फिर ऐसे ऐसे करके 12 मंथ हो गया तो 1 साल पूरा हो गया, तो ऐसे स्ट्रेच ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन 2 AM में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बोलते 2 आवर्स मतलब 2 घंटे, तो पहले 1 घंटा हुआ होगा, फिर 2 घंटा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन 2 AM में ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 AM.1 फिर 2 AM.2, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक। अगर वो यहाँ पे 1 AM लिखेगा तो इसको 2 AM आप बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स बता रहा है कि 2 बजे ही। और 2 घंटे में वो कहीं पे भी हो सकता है, 2 घंटे का मतलब 11 से 1 भी हो सकता है, 1 से 3 भी हो सकता है, 3 से 5 भी हो सकता है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। लेकिन 2 बजे की जब बात होगी तो ये फिक्स 2 बजे होगा, इसलिए यहाँ पे सेंस लगेगा, ठीक है। 5 आवर्स, अगर मैंने 5 आवर्स बोला, जैसे मैंने बोला 5 घंटे, तो 5 घंटे कोई भी हो सकते हैं ना, 12 से 5 भी हो सकता है, 1 से 6 भी हो सकता है, 2 से 7 भी हो सकता है, कोई भी 5 घंटे हो सकते हैं वो। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 घंटे, मतलब कितना देर लगे ना मुझे, 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर ये बोले 5 बजे, तो 5 बजे एग्जैक्ट तभी होगा जब 5 बज रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से लेट हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 बज जाएगा, ठीक। समझ में आ रही है बात। तो ये पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रेच ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। पता चला कि बहुत देर लग रही है, फिर बहुत लंबा खिंच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर यूज होने लगता है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि सिंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमको बात करनी होती है एक पॉइंट की, कि इतना हो गया ये लो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 2 बज गए, तो 2 एग्जैक्टली 2 बजे ही बजेंगे। मैंने बोला 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 2 घंटे वो कोई भी हो सकते हैं ना। अगर मैं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक इंतज़ार कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खलेगा कि सुबह सुबह उठ के मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मैं अगर दोपहर में इंतज़ार कर रहा हूँ तो कोई नहीं बात होगी, बिकॉज दोपहर में जनरली लोग जगते हैं, ठीक है। शाम को इंतज़ार कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह सुबह के इंतज़ार में दिक्कत आ जाएगी। तो वो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे का स्ट्रेच कहीं भी हो सकता है। तो ये है सबसे आसान तरीका सिंस और फॉर को लगाने का, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब देखो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि अगर शब्द को 2 वर्ड्स में दिया हो, जैसे 3 ईयर्स, 2 शब्द हो गए, अब यहाँ क्या यूज होगा, फॉर। अगर एक ही शब्द में दिया है, जैसे 2 AM, अगर हम AM हटा दें तो 2 का कोई सेंस नहीं है, 2 AM मतलब 2 बजे, एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं, 11 o'clock 11 बजे, तो ये क्या हो रहे हैं, सारे एक एक एक्सप्रेशन हैं, तो आप क्या लगाते हो, सिंस,
मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी, ये क्या हो गया, ये हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम कि इस दिन से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ठीक है। साल तक अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता रहा, ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। पॉइंट द एरर, आपको इसमें एरर एक पॉइंट करनी है। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट सिंस द टाइम आई हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको पढ़ के रिवर्ट करिए कि इसमें एरर्स कहां कहां पे हैं, जल्दी से। ठीक है, आई होप अभी आ गई होगी आपको ये चीज समझ में। देखिए इसमें दो दो एरर्स हैं, अगर आपको समझ में आ रही हो। सबसे पहली चीज तो यहां पे लिखा है आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जब भी कभी सिंस या फॉर लगा होता है, हम एक चीज़ को फिक्स रखते हैं, ठीक। वो चीज़ अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होती है, वो एरर है यहाँ पे। दूसरी चीज़, सिंस या फिर फॉर के बाद में, सॉरी सिंस के बाद में, स्पेशली फॉर के बाद में नहीं, सिंस के बाद में हम क्या करते हैं, सिंस के बाद में हम सिंपली सिर्फ एक ही टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें क्या होती हैं, वो रूल क्या होते हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक। देखिए ध्यान से, सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम जब भी कभी लिखा होगा तो हम सिर्फ दो टेंसेस यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, समझ में आया। पहला रूल, सिंस प्लस टाइम या फिर फॉर प्लस टाइम जब भी होगा तो परफेक्ट टेंस यूज हो सकता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो सकता है, ठीक। यानी कि देखिए क्या, यानी कि हैज, हैव, हैड प्लस वी थ्री यूज हो सकता है, या फिर यूज हो सकता है हैज, हैव, हैड, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दोनों में से ही कोई एक चीज यूज हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं इस पे, देखते हैं क्या है। यहां पे लिखा है सिंस, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये लिखा है आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो क्या यूज करेंगे यहां पे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट। पहला चीज तो ये समझ में आ गई, यहां पे क्या होगा, हैव बीन वेटिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे ये पास्ट में लगा है, तो हैव बीन होना चाहिए क्या, नहीं, हैव की जगह क्या लगाएंगे, हैड, समझ में आ रहा है। हैड क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पास्ट में था, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग। अगर ये एक्सप्रेशन ना होता तो हम क्या लगाते, हैव बीन वेटिंग, पर यहां पे हमने देखा यहां पे पास्ट की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, हैड बीन वेटिंग, ठीक। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल कह रहा है सिंस, सिंस के साथ में, विद सिंस ओनली सिंपल पास्ट टेंस कैन बी यूज्ड। सिंस के साथ में सिर्फ क्या यूज हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस यूज हो सकता है, और कुछ नहीं यूज हो सकता, ठीक। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, अभी सिंस के बाद में क्या यूज हुआ है, आई हैड अपीयर्ड, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो ये हैड गलत हो गया यहाँ पे। हमको क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट, यानी कि सिर्फ अपीयर्ड यहाँ पे रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग, देखो यहाँ पे आई हैड बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट सिंस द टाइम आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे हैड भी कट जाएगा, समझ में आ गया। तो इस सेंटेंस में थी दो गलतियाँ, पहली गलती थी कि सिंस के साथ में हम सिर्फ परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगा सकते हैं, ठीक। दूसरी गलती, सिंस के बाद में हमेशा सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस ही यूज हो सकता है, और कोई टेंस यूज नहीं हो सकता, ये एक मैंडेटरी रूल होता है, समझ में आ रही है दोनों चीज़ें। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, बिकॉज एग्जाम में और क्वेश्चंस में बहुत बार ये चीज़ें यूज होती हैं, तो बार बार इसको पॉइंट करके बताऊंगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जब भी सिंस फॉर लगेगा, उसके पहले का जो वर्ब होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, सॉरी परफेक्ट टेंस में होना चाहिए या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, ठीक। दूसरा रूल कहता है सिंस के साथ में, विद सिंस ओनली सिंपल पास्ट टेंस कैन बी यूज्ड, सिंस के साथ में सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस यूज हो सकता है, ठीक है। दो रूल याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अभी चेक करते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, इन क्वेश्चंस को करके फटाफट से चेक कर लेते हैं। कह रहा है सिंस ही हैज रीच्ड हिज गोल ही नेवर टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स, जब से उसने अपना गोल अचीव किया है, अपने गोल पे पहुंचा है, वो कभी अपने दोस्तों से बात नहीं करता है, ठीक। सिंस ही हैज रीच्ड हिज गोल, अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी, सिंस के बाद में क्या लगाते हैं हमेशा, हम सिंस के बाद में हमेशा लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस, तो हैज रीच्ड गलत हो गया, सिंस ही रीच्ड हिज गोल ही नेवर टॉक्स विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज गलत हो गया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं. राहुल इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स रिप्लाई सिंस इयर्स. यहाँ पे फ्रेंड्स के बाद में अपोस्ट्रोफी होगा. पहली चीज फ्रेंड्स रिप्लाई, फ्रेंड के रिप्लाई के लिए वेट कर रहा होगा. दूसरी चीज यहाँ पे सिंस इयर्स लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंस गलत हो गया. अब देखो इयर्स का मतलब है सालों से, तो क्या हो रहा है स्ट्रेच ऑफ टाइम. बात समझ में आ रही है ना, इयर्स मतलब सालों से, कई सालों से, ठीक है, घंटों से, यानी कि स्ट्रेच ऑफ टाइम कई सारे घंटों से, ठीक है. तो यहाँ पे इयर्स लगा है तो क्या लगाएंगे, फॉर इयर्स. पहली बात तो ये हो गया, यहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है. दो चीजें हो गई यहाँ पे, पहला अपोस्ट्रोफी लगेगा, दूसरा यहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है. तीसरी बात, यहाँ पे सिंस या फॉर में से कुछ लगा है तो यहाँ पे इज वेटिंग की जगह क्या होगा, हैज बीन वेटिंग, ठीक है, हैज बीन वेटिंग यहाँ पे सही होगा. यहाँ पे कुछ पास्ट इंडिकेटेड नहीं है, यहाँ पे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन लगेगा. सिर्फ पास्ट होता तो हम हैड लगाते, ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का, इसमें तीन गलतियां हैं. सबसे पहली गलती देखो ध्यान से, जल्दी से फटाफट बता रहा हूं, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, हैज बीन, ठीक है. तो राहुल हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स रिप्लाई, यहां पे अपोस्ट्रोफी लगेगा, फ्रेंड्स रिप्लाई, सिंस इयर्स की जगह लगेगा फॉर इयर्स, ठीक है. थर्ड देखो, वी आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर थ्री मोर डेज. इसको बहुत ध्यान से समझना, जो अभी रूल बताया है उसके खिलाफ है बिल्कुल ये सवाल. वी आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर थ्री मोर डेज. अब यहाँ पे फॉर तो लगा है, फॉर प्लस टाइम लगा है, तो यहाँ पे फॉर तो सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आर गोइंग टू स्टे का मतलब है फ्यूचरिस्टिक सेंस में बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. हम यहाँ पे तीन और दिन रहने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर में तीन दिन और हम यहाँ पे रहेंगे, अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर में यानी कि कल से में भी तीन दिन वो और रहेंगे, ठीक है. तो इस केस में हम कभी भी यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन नहीं लगाते हैं, ठीक है. पास्ट और प्रेजेंट में यूज होता है, फ्यूचर में हम कभी भी हैज हैव बीन आईएनजी नहीं यूज करते हैं, जब भी सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही होती है, ठीक. तो यहाँ पे वी हैव बीन गोइंग टू स्टे हेयर फॉर थ्री मोर डेज गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, वी आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर थ्री मोर डेज, ठीक है. तो याद रखना इस चीज को, जब भी फॉर प्लस टाइम दिया हो और सेंटेंस फ्यूचरिस्टिक हो तो आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे इज एम आर वाली ही चीज रह सकती है, ठीक है, याद रखिएगा चीज को. फोर देखिए, ही इज स्पॉइलिंग द सैंक्टिटी ऑफ टेम्पल फॉर लास्ट ईयर. अभी फॉर लास्ट ईयर मतलब पिछले साल से, पिछले साल एक पॉइंट, पिछला साल, पिछला साल सारे नहीं हो सकते हैं, पिछले साल से हो रहा है, ठीक. अब यहां पे क्या होगा, सिंस, पहली बात तो क्योंकि एक पॉइंट बताया जा रहा है, कौन सा साल, पिछला वाला साल, ठीक है. अब देखो यहां पे कह रहा है ही इज स्पॉइलिंग, अब यहां पे सिंस प्लस टाइम आ गया, यहां पे क्या लगाएंगे, हैव has been, क्योंकि he है तो he has been spoiling the sanctity of the temple since last year, ठीक है, पिछले साल से वो sanctity spoil कर रहा है, पवित्रता spoil कर रहा है temple की. last देखो, I have been eating since 2 hours, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, since 2 hours होना चाहिए, नहीं, for 2 hours, क्यों, 2 घंटे stretch of time, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो for 2 hours हो जाएगा, ठीक. अगर यहाँ पे last year ना दिया होता, देखो इसके ऊपर वाले question में आपको थोड़ा शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, इज स्पॉइलिंग द सैंक्टिटी ऑफ टेम्पल फॉर लास्ट ईयर. इसमें देखो अगर यहाँ पे दिया होता सालों से, तो साल कई सारे हो गए, लास्ट ईयर मतलब पिछला वाला साल एक पॉइंट, अगला साल एक पॉइंट, 3 साल बाद एक जैसे मैंने बोला 2020, तो 1 साल, ठीक है. तो इस तरह से पॉइंट बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर की जगह क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है. सब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू सिंस या फॉर आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट्स में, कमेंट करके, ठीक है. और आई होप कि ये कन्फ्यूजन सारे दूर हो गए होंगे सिंस और फॉर को लेके. फिर भी अगर माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको एक काम करना है, लाइक करना है ज़रूर से, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज सिंस और फॉर मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता ही रहता है, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आप न्यू लर्नर हैं चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएँ, ठीक है. चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे, टिल देन जस्ट टेक केयर, थैंक यू.